कई दिनों से जंगल में लगातार बारिश हो रही थी। टुनटुनी चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ अपने घोंसले में परेशान बैठी हुई थी। पिंकी, पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी। अब तो हमारे घोंसले में बारिश का पानी इकट्ठा हो गया है। इससे पहले कि ये घोंसला गिर जाए, हमें ये घोंसला छोड़कर कहीं और जाना होगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हो। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इससे पहले कि हमारा घोंसला गिर जाए, हम कहीं और चले जाएं। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तेज हवा के साथ टुनटुनी का घोंसला गिरकर टूट जाता है। अब उसके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं था। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर बारिश में इधर उधर भटकने लगती है। ये कैसी आफत आ गई है मेरे ऊपर। इतनी तेज बारिश में मैं अपनी बेटियों को लेकर कहाँ जाऊँ। कहीं सर छुपाने की जगह मिल जाती तो अच्छा होता। अगर पिंकी के पापा जिंदा होते तो आज हमारा अपना घर होता, तो हम इस तरह भटक रहे ना होते। तभी पिंकी को दूर एक जगह गुलाब का बड़ा सा घर दिखाई देता है और वो अपनी माँ से कहती है, मम्मा मम्मा, वो देखो सामने एक बड़ा सा गुलाब का घर है। आओ हम थोड़ी देर के लिए उस घर में चले जाते हैं। जैसे ही बारिश रुकी, हम अपने घर वापस चले जाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर उस घर में चली जाती है। पिंकी, ऐसा लग रहा है जैसे इस घर में पहले से कोई रह रहा हो। अगर इस घर का मालिक आ गया तो फिर बेटा हम कहाँ जाएंगे। मम्मा मम्मा, अगर कोई आ गया तो हम वापस अपने पेड़ पर चले जाएंगे। तब तक बारिश भी रुक चुकी होगी। तभी टुनटुनी चिड़िया की छोटी बेटी अपनी माँ से कहती है, अम्मा अम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। अरे सुनहरी, तू पागल हो गई है क्या। माँ इस बारिश में तुम्हारे लिए भोजन लेने जाएगी। अब तुम चुपचाप कर सो जाओ, सुबह हुई तो माँ ले आएगी। हाँ सुनहरी, पिंकी ठीक कह रही है। बेटा अभी मैं बाहर नहीं जा सकती। अभी तुम दोनों बहनें चुप कर सो जाओ। जैसे ही सुबह होगी मैं तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ले आऊंगी। फिर वो दोनों बहनें सो जाती हैं। मेरी दोनों बेटियां तो सो गई हैं, लेकिन मैं नहीं सो सकती। मुझे रात पर जाकर रखवाली करना होगी। ऐसा ना हो कि इस घर का मालिक मकान आ जाए और वो हमें उठाकर दूर फेंक दे। इतने में टुनटुनी चिड़िया को आवाज सुनाई देती है। कोई घर के बाहर खड़ा कह रहा होता है, अरे कौन चोर मेरे इस घर में घुस गया है। जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें सीधा करूं। मैं बारिश में भीग रहा हूं और तुम अंदर मजे से दरवाजा बंद करके बैठे हुए हो। दरवाजा खोलो, मैं तुम्हें बताता हूं। इतने में टुनटुनी चिड़िया दरवाजे पर आती है। टुनटुनी चिड़िया को दरवाजे पर देखकर कालू कौवा कहता है, ए वो चिड़िया, तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। ये घर मेरा है, चलो निकलो मेरे घर से। मैं इतनी तेज बारिश में अपनी बच्चियों को लेकर इस घर से नहीं जा सकती। ऐसे भी कल जब मैं आई थी तो इस घर में कोई नहीं था, और जब बारिश रुकेगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अब तुम इस घर में आई थी तो मैं भोजन लेने गया हुआ था है, अब तुम्हें वापस आ गया हूँ। बेहतर है तुम मेरा घर खाली करो और यहाँ से निकल जाओ जल्दी जल्दी। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटियों को लेकर वहाँ से जाने वाली होती है कि कालू कौवे को उस पर दया आ जाती है और वो कहता है,
मैं इस बारिश में कहीं जाने की जरूरत नहीं। मैं इतना कठोर नहीं कि इस बारिश में रात के इस पहर तुम्हें घर से निकाल दूं। तुम जब तक बारिश नहीं रुकती मेरे घर में अपनी बच्चियों के साथ रह सकती हो। फिर टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी बेटियों को लेकर उस घर में चली जाती है और वहाँ रहने लगती है।